अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं इमरान ख़ान। आज मैं मौजूद हूं सिंध पंजाब के बॉर्डर पे। यहां पे एक बहुत बड़ा बंद है। इसका किरदार ऐसे है कि ये दरिया के पानी को रोकता है, और ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा है ये इसको काफर डैम कहा जाता है। और ये जब पानी अगर सर्दियों में गर्मियों में ज़्यादा आ जाता है तो ये पूरा भर जाता है। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इस बंद को तोड़ना भी पड़ता है। वो किस वजह से, वो जब सैलाब का पानी बढ़ जाता है, सतह बढ़ जाती है, तो कभी कभार इसको तोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पे थर्मल है तो थर्मल को ख़तरा हो जाता है इस बंद के लिहाज से, क्योंकि पानी ज़्यादा हो जाता है। और वो थर्मल है, इसके साथ कंपनी जो डिस्कॉन कंपनी काम कर रही है। और इसके बाद जो है एक फसल होता है यहाँ, चावल का फसल, जो आप देख सकते हैं ये चावल का फसल है। और इसके बाद जो है इसमें अगर पानी कम हो जाए तो इसमें दो फसलें हो जाती हैं, कहीं पे दो फसल, कहीं पे एक फसल हो जाती है। तो एक फसल गंदम का हो जाता है और बाकी सब जो है इसमें पानी हो जाता है। चलो आए देखते हैं। से ऐसे पत्थर इसके लगे हुए हैं कि कोई पानी भी इसको हिला नहीं सकता। अगर इसको कोई तोड़ नहीं सकता तो ये टूटेगा भी नहीं। अगर कोई तोड़ने की कोशिश करे ये फिर टूटेगा। वैसे इसको कोई ख़तरा नहीं है, ये ऐसा बंद बनाया हुआ है। अभी इसके ऊपर भी डीप लॉज के जो कंपनी है वो भी काम कर रहा है। आगे दरिया के बीच से करके फिर आगे शुरू हो जाता है, फिर वहाँ से भी डीप लॉज का जो कंपनी है वो बिल्कुल काम कर रही है, बिल्कुल तोड़ तक। और पत्थर का साइज कटर जो भी सारा कुछ इसको के ऊपर अच्छा वर्क हो गया। यहाँ पे एक बहुत अच्छा खूबसूरत जगह मिलेगा, अच्छा सा। और यहाँ पे कभी कभार जो शिकारी आते हैं शिकार वगैरह करने, और तो अच्छे जैसे सिंधी में नाम कहा जाता है पक्षियों का, जैसे बोलते हैं आड़ी वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें, यहाँ पे शिकार किए जाते हैं। अभी हम तो आए हैं तो शायद अगर बंदे होंगे तो वो छुपे रहेंगे कहीं पे शिकार करने के लिए। अगर कोई नज़र आ गया तो आवाज़ भी आ जाएगी आपको। ऐसे यहाँ पे ऐसा होता है कि 6 महीने के बाद अगर पानी सूख जाता है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो है गंदम की फसल होती है यहाँ से लेकर। और वो बंद देख रहे हैं, इसके परली साइड पर भी एक बंद है, उसके परली साइड पर भी बहुत बड़ा जो है गंदम का फसल होता है। और ये पानी जो देख रहे हैं ये इसके अंदर से और दरिया का पानी साथ मिलके ये पूरा भर जाता है, ये पूरा बंद तक जो है भर जाता है। और इसको कभी कभार ख़तरा हो जाता है। 2010 में जो था, जब बहुत सैलाब आया था तो वो थर्मल को ख़तरा हो रहा था तो उन्होंने ये बंद तोड़ दिया था। ये पानी बिल्कुल पंजाब के साइड पे चला गया था। और ये इस बंद को आप सीधा लेके चलेंगे तो आपको सीधा पंजाब में एंटर करेगा। और इसकी परली साइड पे अगर ऐसे आप चले जाएंगे फिर भी आप पंजाब में चले जाएंगे। और इसकी इस साइड पे अगर बैक साइड पे जाएंगे तो बैक साइड पे जाएंगे तो उधर सिंध हो जाते हैं। तो ये बॉर्डर है, इसको ये सिटी जो है कश्मीर और घोटकी के सिटी का बीच में आ जाता है, घोटकी और कश्मीर। और नज़दीक गुड्डू भी लगता है इसको साथ में, और यहाँ से नज़दीक जो है मुरीचा वगैरह जो भी छोटे छोटे लगते हैं। जो है यहाँ पे एक ज़बरदस्त लोग कभी कभार आ जाते हैं देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए। अच्छी ठंडी हवाएं भी होती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी लोग रहते भी हैं। अभी यहाँ पे जो फसल काटी जा रही है वहाँ पे बंदे काम कर रहे हैं फसल का काटने की, और ये कैसे निकालेंगे ये तो पता नहीं, पर फसल काटी जा रही है। तो मेरे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको बता दी। दिल ने कहा कि एक वीडियो बना लूं आपके लिए, पर प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।